कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाना है, इसी मिट्टी से निकले हैं और इसी में समा जाना है। मगर इस जिंदगी में असली अमीर होता कौन है? वो जो बहुत सारा पैसा कमा लेता है, या जो अपनी मेहनत के दम पर, अपनी हिम्मत के दम पर बहुत नाम कमा लेता है? असली अमीर कौन होता है, आइए सुनते हैं इस कहानी में। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव की ओर जंगल के रास्ते जा रहा था, मगर वो जंगल में रास्ता भटक गया। 2 दिन तक वो जंगल में भटकता रहा, मगर उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसने 2 दिन से पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। उसे लग रहा था अब उसे पानी ना मिला तो उसके प्राण ही निकल जाएंगे। उसने आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे इस मुसीबत से निकाले। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसे उसी जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था, इस जंगल में झोपड़ी कैसे? उसने अपने आप को चिकोटी काटी कि कहीं भूखे प्यासे रहकर उसे भ्रम तो नहीं हो रहा है। मगर वो झोपड़ी सचमुच वहां थी। उसे उस झोपड़ी में जाने में डर भी लग रहा था, मगर जब बात जिंदगी और मौत की होती है तो इंसान हर डर से आगे बढ़ जाता है। उसने डरते हुए उस झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खोला। झोपड़ी अंदर से खाली पड़ी थी। ऐसा लग रहा था बहुत दिन से कोई उस झोपड़ी में आया नहीं। मगर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने उस झोपड़ी में एक हैंडपंप देखा। उसने जल्दी जल्दी उस हैंडपंप को चलाना शुरू किया। बहुत देर तक चलाने के बाद भी उस हैंडपंप से एक बूंद पानी भी नहीं निकला। वो बहुत मायूस हो गया। मायूस होकर जब वो झोपड़ी से बाहर निकल रहा था, तभी उसने झोपड़ी के दरवाजे के बगल एक पानी की बोतल लटकी हुई देखी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से वो बोतल उतारी, मगर उस बोतल पर एक पेपर लिपटा हुआ था जिसमें लिखा था कि इस बोतल का पानी हैंडपंप में डालो, हैंडपंप चलाओ, ठंडा मीठा पानी आएगा, पानी पीकर वापस इस बोतल को भरकर जगह पर टांग देना। अब वो सोच में पड़ गया कि अगर उसने इस बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और पानी ना आया तो वो तो प्यासा ही रह जाएगा, यही मर जाएगा। मगर फिर उसे लगा कोई तो यहां उसके पहले आया था जो उसी की तरह परेशान हुआ, और फिर उसने अपनी तरफ से दूसरों की मदद करने की कोशिश की है कि उसकी तरह कोई और ना परेशान हो। आखिर उसने उसकी बात को फॉलो किया, उस बोतल के पानी को हैंडपंप में डाला और 4 बार पंप करते ही हैंडपंप से ठंडा मीठा पानी बाहर निकलने लगा। उसने उस पानी को जी भर के पिया, बोतल पानी से भरी और वापस जगह पर टांग दी। जब वो बोतल को टांग रहा था तो उसे एक और छोटा सा कागज दिखाई दिया जिसमें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था, मैप बना हुआ था। उसने उस मैप को ध्यान से देखा और दिमाग में याद कर लिया, उस कागज को उतारा नहीं और वो झोपड़ी से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर जाकर वो फिर से वापस झोपड़ी में आया। उसने उस बोतल को उतारा, उस बोतल के कागज पर लिखा, मेरा विश्वास कीजिए, इस बोतल का पानी हैंडपंप में डालने से पानी जरूर आता है। जिस तरह उसे किसी ने हिम्मत दी, अपनी तरफ से उसने आगे आने वालों को हिम्मत देने की कोशिश की। तो ये कहानी ये कहती है कि असली अमीर वो नहीं जो अंधेरों से निकलकर रोशनी तक बस पहुंच जाए, असली अमीर वो होता है जो उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये कहानी, ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।